हाय एवरीवन, मैं उस्तीश कुमार और स्वागत है फिर से अपने यूट्यूब चैनल आज का डेमो में। आज हम डेमोस्ट्रेशन करने वाले हैं एलजी की 55 इंचेस 4K अल्ट्रा एचडी एलईडी टीवी की, जिसका मॉडल है UQ7550। तो एलजी ने इस साल इसके अंदर क्या क्या नए फीचर्स दिए हैं, हर एक चीज़ की हम बात करेंगे। इसका जो परचेज लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके इसका प्राइस चेकआउट कर सकते हैं। तीन साइजेस इसके अंदर अवेलेबल हैं, 43, 55 और 65 इंचेस। सबका परचेज लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और कमेंट्स में बताएं आपको वीडियोस कैसे लगते हैं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं इसकी फर्स्ट लुक के साथ। तो स्टार्ट करते हैं इसके मॉडल नंबर से। मॉडल नंबर है इसका UQ7550, जो कि 2023 का बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल है। साइज इसके अंदर अवेलेबल है 43, 55 एंड 65 इंचेस। तो स्टार्ट करते हैं इसके डिजाइन से। डिजाइन की अगर हम बात करें तो इस एलईडी के अंदर आपको बिल्कुल शार्प कॉर्नर्स मिलते हैं चारों तरफ, जो कि देखने में काफी प्रीमियम लगते हैं। और बैक साइड में इसके आपको सारी कनेक्टिविटी मिल जाती है, बिल्कुल क्लियर ये एलईडी है बैक साइड से। यूजर इंटरफेस की बात करें तो जब आप होम की दबाते हो तो कुछ इस तरह का आपको यूजर इंटरफेस इसके अंदर मिलने वाला है। रिमोट की बात करें तो कुछ इस तरह का आपको इसके साथ मैजिक रिमोट मिल जाता है, जो कि देखने में काफ़ी प्रीमियम लगता है और माउस वगैरह का काम भी करता है, जिसके ऊपर आपको सारी जो नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, डिज्नी हॉटस्टार और अलेक्सा, गूगल असिस्टेंट, ये सारी हॉटकीज भी आपको इस रिमोट के ऊपर ही मिल जाती हैं। डिज़ाइन के बाद अब हम बात करते हैं इसकी मेन और हाइलाइटेड चीज़, पिक्चर क्वालिटी की। पिक्चर क्वालिटी के लिए एलजी ने इसके अंदर आपको दिया अल्फा 5 जनरेशन 5 का एआई प्रोसेसर 4K, जो कि नॉर्मल क्वालिटी को भी 4K के अंदर इन्हेंस करके देता है, यानी कि अपस्केल करके देता है। इसी के साथ इसके अंदर अगर हम HDR की बात करें तो इसके अंदर आपको एक्टिव HDR के साथ साथ HDR 10 प्रो का सपोर्ट भी मिल जाता है, जिसकी वजह से आपको किसी भी सीन के अंदर, चाहे वो डार्क हो या बहुत ही ज़्यादा ब्राइट सीन हो, हर एक सीन के अंदर बहुत ही अच्छी डिटेल आपको मिलने वाली है। और ये सब आपको इसकी पिक्चर क्वालिटी में मिल जाता है। तो एक नज़र डालते हैं इसकी पिक्चर क्वालिटी पे। तो देखा आपने इसकी अभी पिक्चर क्वालिटी। अब हम बात करें अगर इसकी साउंड क्वालिटी की। साउंड क्वालिटी के लिए एलजी ने इसके अंदर दो स्पीकर्स दिए हैं आपको 20 वॉट के, जो कि आपको यहाँ पे नीचे की तरफ मिल जाते हैं, जिनसे आपको जो साउंड क्वालिटी मिलती है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की मिलती है। और इसी के साथ इसके आपको इसके अंदर आपको वायरलेस सराउंड साउंड भी मिल जाता है। अगर आप इसके साथ एक होम थिएटर कनेक्ट करते हो तो उस अगर आप उस होम थिएटर को वायरलेस भी कनेक्ट करोगे तब भी आपको बहुत ही अच्छी सराउंड साउंड मिलने वाली है। तो ये सब आपको साउंड क्वालिटी के इसके अंदर मिल जाता है। तो एक बार सुनते हैं इसकी साउंड क्वालिटी।
साउंड क्वालिटी के बाद अब हम बात करते हैं इसके अंदर मिलने वाले फीचर्स की। फीचर्स की अगर हम बात करें तो इसके अंदर आपको थिंक AI वेब OS सॉफ्टवेयर मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है और हैंग वगैरह बिल्कुल भी नहीं होती है LED, और बिल्कुल क्लीन सा ये सॉफ्टवेयर है, जिसके अंदर आपको कुछ इस तरह का होम पेज मिल जाता है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, जिसके ऊपर आपको प्री इंस्टॉल्ड जो मेन एप्लीकेशंस है वो प्री इंस्टॉल्ड आपको इसके अंदर ही मिल जाती हैं, जैसे कि Apple TV वगैरह ये सब आपको मिल जाता है। ये आपका TV वर्क विद Apple AirPlay के साथ भी काम करता है, और साथ ही इसके अंदर आपको दो वॉइस असिस्टेंट भी मिल जाते हैं, एक अलेक्सा और दूसरा गूगल असिस्टेंट, जिसके थ्रू आप इस LED को बोल के भी ऑपरेट कर सकते हो वॉइस असिस्टेंट के साथ। साथ ही इसके अंदर आपको AI ब्राइटनेस भी मिल जाती है, जिसकी वजह से आपकी जो LED की ब्राइटनेस है वो भी अपने आप कंट्रोल होती रहती है। तो AI का कहने का मतलब इस LED के अंदर काफ़ी बड़ा योगदान है, जिससे अपने आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ अपने आप को ऑपरेट करती रहती है। इसी के साथ आप इस LED के ऊपर गेमिंग वगैरह भी बड़े अच्छे से कर सकते हो, क्योंकि इस LED के अंदर आपको 60Hz का पैनल मिल जाता है, और जो कि IPS पैनल है, जिसके अंदर आपको कलर एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी मिलती है। साथ ही इसके अंदर आपको ALLM यानी कि ऑटो लो लेटेंसी मोड भी मिल जाता है। इसका बेनिफिट ये है कि एक्शन और रिएक्शन साथ के साथ होता रहता है, कोई भी लैग आपको उसके अंदर नहीं मिलती। साथ ही इसके अंदर आपको HGIGE का भी सपोर्ट मिल जाता है, जिसकी वजह से आपका जो गेमिंग एक्सपीरियंस है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है, और साथ ही इसके अंदर HDR10 Pro का सपोर्ट तो है ही, जिसकी वजह से जो ग्राफिक्स है वो काफ़ी अच्छे और प्रीमियम आपको इसके अंदर मिलते हैं। तो ये सब आपको LG की इस 4K अल्ट्रा HD LED के अंदर UQ7550 इस LED के अंदर सब कुछ मिलता है। इसकी जो इंस्टॉलेशन है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, और इसके साथ जो आपको स्टैंड LG देती है वो घूमने वाला रोटेटिंग वाला स्टैंड आपको इसके साथ मिलता है, जिससे आप LED के पीछे जो भी कनेक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि HDMI, USB या फिर आप ऑप्टिकल फाइबर केबल, ये सारी केबलें अगर आप इसके अंदर अटैच करना चाहते हो पीछे की तरफ, तो वो काफ़ी आसान हो जाता है अटैच करना। प्राइस की अगर हम बात करें तो सबका प्राइस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा हर एक साइज़ का। अगर आपको ये LED पसंद आती है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसको वहीं से आप मेरे परचेज लिंक से इसको परचेज करें। तो इसी के साथ वीडियो को क्लोज करते हैं, दोबारा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मिलते हैं आपसे किसी और नए प्रोडक्ट के नए डेमो के साथ, तब तक नेक्स्ट टाइम के लिए ओके टाटा बाय।